बीजेपी उतार रही है नीतीश कुमार को 11 सीट दी है, आप एक सीट आपके चाचा को दी गई है, आपकी अब आगे क्या रणनीति होगी? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने शुरू से तय किया हुआ है कि हम लोग कुछ सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अकेले चुनाव लड़ेगी। कुछ सीटों पर नाम तय हो गए हैं और कुछ जगह पर चर्चा चल रही है। मुझे लगता है कि एक बार नोटिफिकेशन आता है तो उसी के साथ हम लोग भी अपने तमाम प्रत्याशियों के नाम की हम लोग घोषणा कर देंगे। और जहां तक रही बात एनडीए गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर, तो उसमें जो दो महत्वपूर्ण घटक हैं उनको जिस तरीके से उनकी अनदेखी की गई है, ये अपने में प्रश्न उठाता है कि क्या सही में एनडीए में सब ठीक चल रहा है कि नहीं। साथ ही में जिन घटक दलों को सीटें मिली भी हैं, हमेशा से 50-50 का फॉर्मूला मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गठबंधन में चाहते थे, पर उस 50-50 के फॉर्मूले के बावजूद अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को झुकना पड़ा है और जहां पर उनको 50% सीटें उनको नहीं दी गई हैं, एक तरफ 11 और एक तरफ 13, तो ये अपने में दिखाता है कि इस वर्चस्व की लड़ाई में मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी अब छूटती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना वर्चस्व, और जो कि ज़रूरी भी है, हकीकत भी है भैया, एक तीसरे नंबर की पार्टी बार बार अपनी अहमियत को दिखाए और बोले कि हमें 50% सीटें चाहिए, ये उचित भी नहीं है। और जहाँ तक आपने मेरे चाचा जी का जिक्र किया, ये भी दिखाता है कि भैया जब हम लोग साथ में थे और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब हम लोग मिलकर चुनाव हम लोग लड़ते थे, तो उस वक्त हम लोग 4 सीटों पर चुनाव लड़ते थे। मौजूदा परिस्थिति में कहीं ना कहीं उनको भी ये दिखाया गया है, बताया गया है कि भैया एक सीट देकर उस गठबंधन में उनकी क्या पोजीशन है, ये भी उनको दिखाया गया। बहरहाल, सीटें पाना ही मुझे नहीं लगता कि किसी गठबंधन का लक्ष्य होना चाहिए। अब उनमें से वो कितनी सीटें कौन जीत पाता है, जनता दल यूनाइटेड या बाकी के घटक दलों को जो जो सीटें भाजपा के द्वारा दी गई है उसमें से कौन कितनी सीटें जीत पाता है, ये भी आने वाला समय बताएगा। बट जहाँ तक रही बात लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की, हम लोगों की मजबूत तैयारी चल रही है अकेले पुनः बिहार के लिए और अपने सिद्धांतों के लिए, अपने विचारों के लिए और हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए पुनः हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग अकेले रणभूमि में उतरेंगे। उम्मीद करता हूं कि पहले से बेहतर प्रदर्शन हम लोग करेंगे। आपकी रणनीति फिर 2020 वाली होगी, जेडीयू के खिलाफ सिर्फ अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे? देखिए, हम लोगों ने बिना इस सोच के कि जनता दल यूनाइटेड किन सीटों पे लड़ रही है नहीं लड़ रही, जहां पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कैडर मजबूत है जिन्होंने तैयारी की है, या जहां पर इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी कंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।